गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर 4, हेट्स इन नॉट द सिनर। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड फर्स्ट हाफ पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड हाफ। ओके, महात्मा गांधी ऑल्सो एडवाइज हिज फॉलोअर्स टू हेट एविल नॉट द एविल डूअर। महात्मा गांधी अपने फॉलोअर्स यानी अपने अनुयायियों को भी यही सलाह देते थे कि बुराई से घृणा करो, ना कि बुरे व्यक्ति से या बुराई करने वाले से। ठीक है, तो वंस बुद्धा अलॉन्ग विद हिज डिसिपल्स पास्ड थ्रू अ विलेज। एक बार बुद्ध जो है यानी महात्मा बुद्ध, वो अपने शिष्यों के साथ एक विलेज यानी गाँव से होकर गुजर रहे थे। हिज डिसिपल्स वर टायर्ड, उनके डिसिपल्स यानी कि शिष्य जो थे वो थक गए थे। दे सॉट परमिशन ऑफ द मास्टर टू रेस्ट फॉर द नाइट इन द विलेज। वो जो शिष्य थे वो क्या करते, अपने मास्टर की अपने मालिक की परमिशन चाहते थे उस गांव में रात गुजारने के लिए। कहने का मतलब वो आराम करना चाहते थे, इसलिए वो परमिशन चाहते थे। ठीक है, देयर रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड, उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई। ठीक है, द जॉय ऑफ द विलेजर्स न्यू नो बाउंड्स, ईच वन ऑफ देम वॉन्टेड महात्मा बुद्ध टू ऑनर इम बाई टेकिंग मील एट हिज हाउस। जो गाँव के लोग थे उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और उनमें से एक ये चाहता था कि हम जो है महात्मा बुद्ध को अपने घर पे खाना खिलाकर उन्हें सम्मान दें। ठीक है, सम्मानपूर्वक खाना खिलाएं। देयर स्टूड अ वूमेन एट द बैक, वहाँ पे एक बैक साइड पे यानी पीछे की तरफ एक औरत खड़ी थी। द विलेजर्स यूज टू हेट हर बिकॉज ऑफ हर लूज मोरल्स। विलेजर गाँव के लोग उनके क्या कहते हैं, मतलब कि लूज यानी खराब मोरल्स, खराब नैतिकता की वजह से, जो खराब कर्मों की वजह से उन्हें क्या करते थे, नफरत करते थे। लॉर्ड बुद्धा नोटिस हर एंड सेड आई शैल टेक मील इन योर हाउस। लॉर्ड बुद्धा ने नोटिस किया, ध्यान दिया और कहा कि मैं तुम्हारे घर में भोजन करूँगा। ऑन हियरिंग इट टीयर्स फ्लोड डाउन हर चीक्स, ये सुन के उनकी यानी उस औरत की आँखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, बुद्धा एक्सेप्टेड हर हॉस्पिटैलिटी बिफोर टेकिंग लीव ऑफ हर। He offered her a mango and said, "Keep it safe and I shall collect it on return journey." Buddha ने उनकी मेहमान नवाजी को accept किया, ठीक है, स्वीकार किया, और जब वो उसे छोड़ने लगे तो उन्होंने क्या कहते हैं, उस औरत को एक mango offer किया, दिया, एक आम दिया, और कहा कि इसे सुरक्षित रखो, मैं इसे return journey वापसी में ले लूँगा। ठीक है, द विलेजर्स कुड नॉट सप्रेस देयर क्यूरोसिटी। विलेजर्स यानी गांव के लोग क्या कहते हैं, अपनी उत्सुकता के यानी जो उन्हें जानने की इच्छा, उसे दबा न सके। कहने के मतलब उन्होंने पूछा, दे आस्क्ड बुद्धा, उन्होंने बुद्धा से पूछा, वाई ही एग्रीड टू डाइन एट द हाउस ऑफ अ फॉलन वोमेन। ठीक है, उन्होंने बुद्धा से पूछा कि क्यों वो क्या कहते हैं, एक गिरी हुई औरत जो क्या कहते हैं लूज कैरेक्टर या फिर उनके खराब कर्मों की वजह से खराब कर्म थे, ऐसी औरत के घर पे उन्होंने खाना क्यों खाया, क्यों खाने के लिए सहमत हो गए। बुद्धा स्माइल्ड एंड प्रॉमिस्ड टू क्लियर देयर डाउट्स व्हेन ही वुड रिविजिट द विलेज। बुद्धा स्माइल किए और क्या कहते हैं उनके डाउट्स को यानी उनके संदेह को क्लियर करने का वादा किया जब वो गाँव का दोबारा विजिट करेंगे। सेवरल मंथ्स लेटर, कुछ कई महीनों के बाद बुद्धा पास्ड थ्रू द सेम विलेज। बुद्धा सेम विलेज से यानी उसी गांव से गुजरे। अ बिग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई। ही सेंट अ मैसेज फॉर दैट वोमेन, वो एक उस वोमेन के लिए एक मैसेज सेंड किए। सी अपीयर्ड विद द मैंगो, वो उनके सामने मैंगो के साथ आई, जो मैंगो उन्होंने दिया था। सी हैड कवर्ड हर फेस, वो अपना चेहरा ढकी हुई थी। सो असेम्ड सी वॉज फीलिंग, वो अपना चेहरा जो है शर्म की वजह से ढकी हुई थी। बुद्धा टुक बैक द मैंगो एंड आस्क्ड वन ऑफ हिज डिसिपल्स टू ब्रेक इट ओपन।
बुद्धा ने अपने एक उन्हीं में से एक शिष्य को इसे ब्रेक करने के लिए यानी ओपन करने के लिए ब्रेक करने के लिए कहा, तोड़ने के लिए कहा। इट वॉज ऑल ड्राइड ड्राइड अप ड्राइड अप, यह पूरी तरह से सूखा हुआ था। बट इनसाइड वॉज द स्टोन इन परफेक्ट फॉर्म, लेकिन उसके अंदर जो क्या कहते हैं पत्थर जैसा एकदम कड़ा हो गया था। ठीक है, शोइंग दैट स्टोन टू द विलेजर्स, इस स्टोन को जो एकदम पत्थर जैसा हो गया था उसे दिखाते हुए बुद्धा ने कहा, द एग्जाम्पल ऑफ द ड्राइड अप आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट एंड साउंडनेस ऑफ द स्टोन विद इन हैज़ अ मैसेज फॉर यू ऑल। ये जो क्या कहते हैं पूरी तरह से ये जो बाहर से सूख गया है और इसके अंदर जो स्टोन का साउंड है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। इवन इफ दिस वोमेंस बॉडी वॉज स्टेंड फॉर सम रीजन, हर सोल रिमेंड प्योर एंड अनटेंड। ठीक है, इवन जबकि इस औरत का शरीर जो है वो क्या कहते हैं गंदा है, कुछ कारणों से गंदा है, लेकिन उसकी आत्मा फिर भी शुद्ध है। ठीक है, वन सोल, किसी की आत्मा जो होती है, किसी की अंतरात्मा जो होती है, वो हमेशा अनअफेक्टेड होती है। कहने का मतलब उस वो कभी भी बुराइयों या पाप से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, दैट्स वाई आई टुक मील एट हर हाउस ऑन दैट डे, यही कारण है कि मैं उस दिन इसके घर पे खाना खाया था। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर डिस्पाइज सिन नॉट द सिनर, हमेशा याद रखो पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं, यानी बुरी बुराई से घृणा करना है, बुराई से घृणा करना है, बुरे व्यक्ति से नहीं। ठीक है, इवन अ हार्डेंड सिनर कैन बी रिफॉर्म्ड थ्रू अफेक्शन सिंपैथी काइंडनेस एंड गुडविल। यहाँ तक कि एक बहुत ही बड़ा जो बुरा व्यक्ति होगा, यानी बहुत ज़्यादा बुरा व्यक्ति जो भी होगा, वो भी अफेक्शन यानी प्रेम, सहानुभूति, दया और सद्भावना से सुधर जाता है। ओके क्लास, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइजेज मैंने सेंड कर दी हैं, वो एक्सरसाइजेज अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।